सर आपसे पूछना चाह रहा था कि चैट जीपीटी में कीवर्ड्स डालकर हम तो कॉन्टैक्ट बनाया जा सकता है उसके मुताबिक, और दूसरा ये कि अगर हम वो कॉन्टैक्ट बना के उसको गूगल पे करते हैं तो क्या वो गूगल के ऊपर रैंकिंग बना सकते हैं हमारी या? जी ऐसा ही है, आजकल बहुत ज़्यादा दुनिया चैट जीपीटी यूज़ कर रही है। चैट जीपीटी आप कंटेंट बना सकते हैं लेकिन वो सिर्फ आइडिया के लिए होता है। आपको उससे अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं, एक आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है कि आपने किस तरीके से कंटेंट लगाना है, किस तरीके से उसकी हेडिंग्स लिखनी है। लेकिन अगर चैट जीपीटी का कंटेंट आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जिन पे आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि ये कंटेंट जो है एआई जनरेटेड है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह चैट जीपीटी है इस तरह के बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अगर तो वो एआई जनरेटेड है तो गूगल आपका वेबसाइट को या पेज को रैंक नहीं करेगा, आपने उसको री राइट करना है। उससे आइडिया ज़रूर ले लें, बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं, बहुत सारी आसानी हो जाती है, आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं, आपको जो है ना पूरी एक हायरार्की मिल जाती है कि किस तरह आपने अपनी चीज़ लिखनी है, लेकिन फिर उसको आपने दोबारा अपने अल्फाज में लिखना है, अदरवाइज़ वो गूगल में रैंक नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे साथी जो कॉन्टेंट राइटिंग का काम करते हैं तो आमतौर पर ये समझा जाता है यार बहुत आसान हो गया, चैट जीपीटी में कॉपी लिखें वो आपको कर देगा और लिख देगा तो आप वो उसको फॉरवर्ड कर दें, तो ऐसे कोई शख्स पेमेंट नहीं करेगा। चैट जीपीटी का तमाम लोगों को पता होता है, ठीक हो गया। तो बेसिकली क्या है कि वो भी क्या करते हैं, आइडिया ज़रूर ले लेते हैं कंटेंट राइटर्स भी, लेकिन लिखना उन्होंने उसको दोबारा अपने ही ज़ुबान में अपने ही अल्फाज में होता है।